न्यूज टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में नक्सली गतिविधियां बढ़ती जा रही है। नक्सलियों ने जवानों तक रसद व अन्य सामग्री पहुंचाने वाले वाहन को उड़ाने का प्रयास किया, जिससे विस्फोट की चपेट में आकर वाहन का चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और खबर आ रही है कि इलाज के क्रम में खलासी की मौत हो चुकी है। पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कूड़िया गाँव के पास नक्सली द्वारा लगाए गए IED विस्फोट के चपेट में एक ट्रैक्टर आ गया। IED विस्फोट के चपेट में आकर ट्रैक्टर का ड्राइवर और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर CRPF कैंप के लिए ईंट और अन्य सामग्री ले जा रहा था। इस दौरान कूड़ा के आगे ट्रैक्टर का पहिया IED प्रेशर पंप के ऊपर चढ़ गया, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में ट्रैक्टर का चालक और अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को सोनुआ पुलिस व CRPF की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनुआ लाया गया है, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। मानगो स्थित जलसा नामक बार में शराब पी रहे युवकों के बीच आपसी विवाद के बाद गोलियां चली। इस घटना में साक्षी गुरुद्वारा बस्ती के रहने वाले देवनारायण और गुंजन यादव नामक युवक घायल हुए हैं। उन्हें पहले MGM अस्पताल ले जाया गया, वहां से दोनों को टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया है। MGM थाना अंतर्गत डिमना चौक के पास स्थित जलसा बार में विवाद के बाद फायरिंग हुई। इस घटना में साक्षी गुरुद्वारा बस्ती निवासी देवनारायण यादव और चंद्रावती नगर निवासी गुंजन यादव घायल हुए हैं। घटना के बाद दोनों घायलों को साथियों ने MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भेज दिया गया है। देव के कंधे पर गोली लगी है, जबकि गुंजन की हथेली में। फिलहाल दोनों का इलाज TMH में चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार शराब सेवन करने के दौरान किसी शाश्वत गागराई नामक युवक के साथ उनका विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि गोलियां चलने लगी। जिनको गोली लगी उनका नाम है देव नारायण यादव उर्फ चौहा यादव। कहाँ के हैं ये? रहने वाले हैं गुरुद्वारा रोड मानगो। और दूसरा एक है गुंजन यादव। अच्छा, वो कहाँ के हैं? वो आपको चंद्रावती नगर राजू। क्या पता चला आप लोगों को? हमको फोन आया हमारे अध्यक्ष जी का कि जलसा बार में गोली चल गया। अच्छा, कितने लोग को लगा इसमें? दो आदमी। कौन चलाया कुछ पता चला? ये अभी नहीं बता सकते, अभी तो हम लोग हॉस्पिटल आए हैं, जाने के बाद पता चलेगा। अभी कहाँ? ये अभी TMH लेके जा रहे हैं। 16 सितंबर को राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में अमृत स्रोत नामक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के विख्यात कवि भाग लेंगे। बीते सालों में हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा के सामने अपना महत्व खोती जा रही है। वो मधुर कविताएं जो हमारे महान कवियों और कवित्रियों ने लिखी, जिन्हें पढ़कर हमने अपना बचपन बिताया, जिनमें मानव के अंतर्मन की सभी भावनाएँ छिपी होती थी, आज के युवा ऐसी कविताओं को उतना महत्व नहीं देते जितना वो अन्य मनोरंजक विधाओं को देते हैं। इस विषय को लेकर गमक एंटरटेनमेंट के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी भाषा के समर्पण में 16 सितंबर को संध्या 5 बजे राजेंद्र विद्यालय के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम अमृत स्रोत कवि सम्मेलन की आयोजन किया गया है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं मनु वैशाली और आगामी 16 सितंबर को मैं आ रही हूँ टाटा सिटी जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय के ऑडिटोरियम में। एक बहुत प्यारा कार्यक्रम सजाया है अमृत स्रोत के नाम से, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ। तो मिलते हैं 16 सितंबर को, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कदमा क्षेत्र में फॉगिंग की जा रही है। पूरे राज्य की हम अगर बात करें तो दुर्भाग्यवश जमशेदपुर में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। आपका फॉगिंग गाड़ी चलाया जा रहा है। हम लोग हर क्षेत्र में कदमा में जितना भी शास्त्री नगर कदमा रामनगर आपके आज हम लोग कदमा थाना आज आए हुए हैं, तो आज हम लोग यहाँ भी स्वास्थ्य का पूरा देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कट में जैसे कि सबसे ज़्यादा डेंगू हो रहा है, तो उसमें से जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग जितने भी जमशेदपुर के थाना हैं
सब थाना में हम लोग जा रहे हैं, सब जगह करवा रहे, स्कूल में करवा रहे हैं। तो इसमें नीरज सिंह जी की तरफ से हम सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं। हम जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने क्षेत्र की जनता के साथ एक बैठक की और क्षेत्र में जनता के लिए किए जा रहे कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। परसुडी सोपोडेरा स्थित मिलाप हॉल में श्मशान घाट काली मंदिर कमेटी के साथ क्षेत्र के विधायक व स्थानीय ग्रामीणों के साथ आम सभा हुई, जहां कमेटी द्वारा वर्षों से किए जा रहे कार्य का विवरण प्रस्तुत किया गया। विधायक मंगल कालिंदी, माझी बाबा परगना, मुखिया, उप मुखिया, स्थानीय ग्रामीण व श्मशान घाट काली मंदिर समिति के प्रदीप गुहा समेत अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में 2002 से लेकर 2023 तक श्मशान घाट निर्माण के लिए किए जा रहे कार्य का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया। श्मशान कमेटी छोटे भाई प्रदीप गुहा के नेतृत्व में श्मशान कमेटी का बैठक रखी गई थी और इस बैठक में हर वर्ग, हर व्यक्ति को, सामाजिक संस्था के लोगों को भी यहाँ निमंत्रण दिया गया था और सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। और श्मशान कमेटी के प्रदीप गुहा जी और श्मशान कमेटी के सारे कमेटी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इनका मेहनत रंग लाया। टाटा मोटर्स कंपनी के संवेदक गोल्ड लाइन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी प्रेम कुमार चौधरी के संपूर्ण ग्रेच्युटी की मांग को लेकर उप समायुक्त का दरवाजा खटखटाया गया है। इस मामले में एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी प्रेम कुमार चौधरी वर्ष 2015 से उक्त ठेका प्रबंधक के पास कार्यरत था, जबकि ग्रेच्युटी के भुगतान की बात आने पर ठेका प्रबंधन प्रेम कुमार चौधरी के 2018 से कार्यरत होने की बात कह रहे हैं। हालांकि मजदूर प्रेम चौधरी के पास वर्ष 2015 का गेट पास भी मौजूद है। टाटा मोटर्स के ठेका प्रबंधन मेसर्स गोल्ड लाइन में काम करने वाले ठेका मजदूर प्रेम कुमार चौधरी का सन 2015 से लेकर के सन 2023 तक जो कार्यकाल रहा, उसकी ग्रेचुटी का भुगतान के लिए हमने उप समायुक्त के कार्यालय में मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर आज संज्ञान लेते हुए यह बातचीत सामने आई है। प्रबंधन पक्ष का कहना है कि सन 2018 से मजदूर काम करता है, जबकि मजदूर के पास प्रमाण के रूप में सन 2015 से गेट पास मौजूद है। एग्रीको दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा मंगलवार को मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व CM रघुवर दास भी मौजूद रहे। इस बार काल्पनिक मंदिर का आकार पंडाल को दिया जा रहा है। विधिवत पूजा अर्चना कर यहां पंडाल निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। बंगाल के आए कारीगरों द्वारा यहां पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 12 लाख की लागत से यहां पूजा का आयोजन होगा, साथ ही माता की प्रतिमा यहां विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। सोनारी में न्यू किंग बॉयज क्लब द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी फोर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया। न्यू यंग बॉयज क्लब के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी सोनारी पंचवटी नगर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये हम लोग हर साल मनाते हैं शिव मंदिर काली मंदिर के निकट। ये हमारे जितने भी यंग बॉयज हैं, न्यू बॉयज क्लब के यंग बॉयज जितने भी सदस्य हैं, सब इन लोगों के द्वारा यहाँ हर साल हम लोग धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम?
हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। ओ क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी निवाली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।